अस्सलाम वालेकुम जी, आज का हमारा टॉपिक है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। हम देख रहे हैं चैप्टर हमारे पास चल रहा है स्कैटरिंग बाय पोटेंशियल। तो जनाब, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या है सारे के अंदर? लेट्स से हम जानते हैं जो स्कैटरिंग प्रोसेस हम देख रहे हैं, इसे हमने एक स्टेडी प्रोसेस के तौर पर लिया है। कैसे कि जो स्टेडी इंसिडेंट बीम है, स्टेडी स्कैटर्ड बीम है, तो ये जो स्टेडी सिचुएशन है, इसका मतलब हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक होगी बात। तो ऐसे प्रोसेस हमने वन डायमेंशनल पोटेंशियल वाले चैप्टर में देखे थे, जिसमें बैरियर आपकी पेनिट्रेशन थी, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर वाला मामला, जिसमें सिंगल वेव फंक्शन था, जो सोल्यूशन होता था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वो इंसिडेंट बीम का भी बताता था, रिफ्लेक्टेड बीम का भी बताता था, ट्रांसमिटेड बीम का भी बताता था। बिल्कुल उसी तरीके से ही हम सिंगल सॉल्यूशन लेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन का, ताकि हम इस स्कैटरिंग प्रोसेस को समझ सके। अब जो वेव फंक्शन है, जो इंसिडेंट बीम का प्लेन वेव, उसका जो मोमेंटा होगा पी इज इक्वल टू एच कट के, एनर्जी जो होगी एच कट स्केयर के स्केयर ओवर 2m, क्योंकि पी स्केयर बाई 2m होता है ना, तो वो पी की वैल्यू का स्केयर ले लिया। अब जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, उसमें हम ये लिख सकते हैं माइनस एच कट स्केयर 2m डेल्टा स्केयर यू आर, ये वेव फंक्शन है हमारे पास, वी आर इंटू यू आर ई यू आर। अब ई की मैंने हाईलाइट किया क्योंकि ई की वैल्यू है, वो वैल्यू लग जाएगी। अब आप पूरी इक्वेशन से 2m ओवर h कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो साथ में इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव के साथ। तो जनाब, अब ये 2m से कट जाएगा, h कट स्क्वायर से कट जाएगा, सिर्फ k स्क्वायर बाकी बचेगा, ये इक्वेशन की शक्ल आ गई। अब आप क्या जानते हो कि भाई ये जो आपके 2m ओवर h कट स्क्वायर vr है, इसे हम ur का नाम दे देते हैं, तो ये सारा चीज ur से रिप्रेजेंट की जा सकती है, ये माइनस के ही दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इसमें से ur यानी वेव फंक्शन कॉमन ले सकते हैं, तो ये इक्वेशन 1 बन गई। अच्छा, अब अगर हम देख रहे हैं कि जो आपके पास रिफ्लेक्टिंग और स्कैटरिंग हो रही है, उस सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि टारगेट की मौजूदगी में हमारे पास कोई ज्यादा डिटेल हमें पता ही नहीं है, मगर ये पता है कि जब हम दूर होते हैं तो इंसिडेंट बीम और स्कैटर्ड बीम हमारे पास कैसे होंगी। यानी क्या मतलब कि लार्ज डिस्टेंस पे जो स्कैटरिंग सेंटर होगा, यानी आर जब अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, तो वेव फंक्शन दो हिस्सों में होगा, एक इंसिडेंट का और एक जो आपके पास स्कैटर्ड का, तो इसका मतलब टोटल वेव फंक्शन दोनों के मजमुए से बनेगा। अच्छा, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इंसिडेंट पार्टिकल मूव कर रहे हैं अलोंग जी एक्सिस, जैसे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, और वो भी काफी दूर है टारगेट से, तो हम कहेंगे वो फ्री पार्टिकल के तौर पे बिहेव करेंगे, क्योंकि अभी वो इन्फ्लुएंस में नहीं आए। तो ये फ्री पार्टिकल के जो वेव फंक्शन होगा, हम उसे साई इन लिख देते हैं, यहाँ से आप इसके लिख सकते हैं, तो आपके पास e की पावर iota pz माइनस et ओवर h कट है। अब चूंकि हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को देख रहे हैं, तो जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है उसे हम बीच में से ओमिट कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो बाकी चीज बची वो हमारे पास u आ गया, वेव फंक्शन जो हम z एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे, यहाँ से p ओवर h कट को हम k के बराबर ले सकते हैं, तो e की पावर iota kz लिखा जा सकता है, तो ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। आगे अब जब हम स्कैटर्ड में देखेंगे, तो एफ थीटा फाई ओवर आर स्क्वायर की पावर योटा के आर, ये अब आपके पास आ गया स्कैटरिंग के लिए। इसमें आपके पास जो एफ थीटा फाई लिखा है, यानी ये जो आपका फैक्टर है, इसको मैंने हाईलाइट किया है, ये आगे बता देता हूँ, यही बुनियादी तौर पे हमारे पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। अब आपके पास इंसिडेंट और स्कैटर्ड दोनों की वैल्यू मौजूद है, दोनों वैल्यू प्लेस करके टोटल वेव फंक्शन निकाला जा सकता है, इनकी वैल्यू हम 1 ले लेंगे नॉर्मलाइजेशन से, तो आगे चल के हम एन को 1 यानी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपके पास जो इक्वेशन 1 थी, अगर हम लार्ज आर के लिए देखें, तो आपके पास पोटेंशियल जीरो वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो इसमें से यू वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो ये इक्वेशन यू आ जाएगी। अब यू आर हम जानते हैं कि आपके पास दो चीजों का मजमूआ है, वो यानी आपके पास इनकमिंग जो इंसिडेंट और स्कैटर्ड वेव फंक्शन का, तो अब आप इन दोनों को अलग अलग करके यानी ये मल्टीप्लीकेशन करके लिखा जा सकता है। अब बुनियादी तौर पे हमने करना क्या है, हमने चार फैक्टर्स चाहिए हमें, हम यहाँ पे डेल स्केयर लेंगे इंसिडेंट के साथ, वेव फंक्शन के साथ डेल स्केयर लेंगे स्कैटर्ड के साथ, फिर इंसिडेंट वेव फंक्शन और जो स्कैटर्ड वेव फंक्शन की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है 2 और 3 के अंदर, वो वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे, यानी चार वैल्यूज डालनी है यहाँ पे। तो पहले चीज निकालते हैं डेल स्केयर यू इंसिडेंट, तो आपके पास मौजूद है उसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल डालो, तो माइनस के स्केयर की पावर योटा के जेड आ जाएगा, ये तो आसान है। अगर मगर स्कैटर्ड की बात करते हैं, तो जनाब अब आपके पास चूंकि स्कैटर्ड में क्या है थीटा फाई, तो
तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे डेल स्क्वायर, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लेंगे, तो वो मैंने वहां पे डेल की वैल्यू लगा दी डेल स्क्वायर की, और साथ में आपके पास ये स्कैटरिंग जो वेव फंक्शन था वो डाल दिया। अब इसको आप इनसाइड अंदर जरब दे दोगे, इनसाइड जब वो अंदर जाएगा तो आप इस सारे को इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने वो हाईलाइट कर दिया जहां जब वो अंदर गया। फिर आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर लेना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तौर पर ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, 1/r² डेल स्क्वायर डेल r वैसे ही आ रहा है, एफ थीटा फाई को बाहर निकाल दिया है। जब आप पार्शियल व पार्शियल आर स्क्वायर के साथ इसे सॉल्व करेंगे तो पहले इयोटा के आर फर्स्ट फैक्टर के तौर पर आ जाएगा, इयोटा नीचे उतरेगा और आपके पास आर पहले वैसे का वैसे रहेगा, -e^iota^r आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यानी वो लिख सकते हैं, 1/r का डिफरेंशियल कर लेंगे यानी। अच्छा फिर क्या जनाब, फिर अगला 1/r² sin θ पार्शियल थीटा, वो पार्शियल थीटा साइन थीटा वैसे रहेंगे, पार्शियल थीटा इसको सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है e^iota^r में तो कुछ नहीं है, आर में भी कुछ नहीं है थीटा, तो इसे बाहर निकाल लेंगे, सिर्फ f θ φ वाले को डिफरेंशियल लिख देंगे। इसी तरीके से फाई इसमें है तो सिर्फ इसको लिख देंगे, बाकियों को बाहर लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो r² था r² से कट जाएगा, तो अब आप क्या कर सकते हो, ये नहीं सॉरी, अब r² को अंदर जरब दे देंगे। जब अंदर जरब देंगे तो ये r² इस r से कट जाएगा, ये r से कट जाएगा, तो ये टूल इस तौर पे आप लिख सकते हैं। ठीक होगी बात, तो ये जनाब आपके पास बाकी बच गया, यहाँ पे r नहीं आएगा जी, तो ये इस तौर पे आपके पास बच गया। अब आपने क्या किया, बाकी फैक्टरों में अभी हमने कोई मामला नहीं किए, बाकी वैसे के वैसे लिखे हुए हैं। अब आपने इसको दोबारा से यानी पार्शियल व पार्शियल आर के साथ सॉल्व किया है, तो ये आपके पास टूल इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, हम जानते हैं जब आर ज्यादा होगा तो 1/r³ ज्यादा जल्दी जीरो होगा, 1/r² के लिहाज से, तो जो बड़े फैक्टर है निगलेक्ट कर देंगे, यानी ये r³ वाला फैक्टर निगलेक्ट करेंगे तो पूरा हिस्सा ही जीरो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, जल्दी जीरो हो जाएगा, तो बाकी ये बच गया, ये फैक्टर इस फैक्टर से कट जाएगा, आपके पास ये टूल आ गया। अब आप इसे इस तौर पर लिख सकते हैं, यानी दो हिस्सों को अलग कर दिया ना आपने, इसको अलग अलग करके लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये जनाब आपके पास रिमेनिंग आंसर आ गया। अगर हम ये वैल्यू उठा के डेल्टा स्केयर जो आपके पास यू इंसिडेंट और स्कैटर्ड की उठा के इक्वेशन 4 में डाल दें, तो ये इक्वेशन 4 है आपके पास, इसमें ये दोनों वैल्यूज डाल देंगी, तो ये वैल्यूज आपने डाल दी इसके अंदर, तो अब आपके पास वो आपने यू स्कैटर की भी डाल दी और आप इंसिडेंट की भी डाल दी, तो वो वैल्यूज को सॉल्व करेंगे जवाब जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब f θ φ आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ ए सेमटोमेटिक स्कैटरिंग वेव है, यानी स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है। अब यहां से एक चीज समझाता जाऊं कि ये जो आपने एक वेव फंक्शन लिया है, ये जो आपने सॉल्व किया सारे का, इसमें हमने ए सिम्टोमेटिक सोल्यूशन ही देखना था, हमने उसके रियल की तरफ नहीं जा रहे हम उसके। ठीक है, तो यही हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि ये आपके पास एम्पलीट्यूड होगा इस सिम्टोमेटिक स्कैटरिंग वेव का, जिसे हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।